7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल ने कसम खाई थी कि वो धरती से हमास का नामो निशान मिटा देगा, और इसी कड़ी में इजरायली सेना ने आधे से ज्यादा गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद हमास के लड़ाके गाजा के अलग अलग इलाकों में इजरायली सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इस सब के बीच इजराइल ने गाजा के कई इलाकों से अपनी सेना को वापस बुला लिया था, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि जिस हमास की जड़ें गाजा से लगभग उखड़ती हुई दिख रही थी, वही हमास अब एक बार फिर गाजा में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दरअसल गाजा में हमास ने उन इलाकों में अपनी वापसी की है जहां से इजरायली सेना करीब एक महीने पहले निकल चुकी है, और इन इलाकों में हमास पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है, और उसने हाल ही के दिनों में अपने कई अधिकारियों को तनख्वाह देना तक शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी एपी ने ये खबर गाजा के 4 नागरिकों और हमास के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से छापी है। इसको लेकर गाजा के 4 नागरिकों ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि हाल ही के दिनों में वर्दीधारी और सादा कपड़ों में पुलिस हेडक्वार्टर और अन्य सरकारी दफ्तरों के पास पुलिस अधिकारियों की तैनाती हुई है। ये तैनाती शिफा अस्पताल के पास हुई है। गाजा के इन निवासियों का कहना है कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की वापसी और उसके बाद अस्थायी कार्यालयों के पास इजरायली सेना के हवाई हमले देखे हैं। वहीं हमास के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर न्यूज एजेंसी एपी को बताया कि हमास के नेताओं ने उत्तरी गाजा में दोबारा व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया है, जहां से इजरायली सेना वापस चली गई थी, जिसमें उन निवासियों की दुकानें और घरों की लूटपाट को रोकने में मदद करना भी शामिल था जो लोग इजरायल के घरों के खाली करने के आदेश के बाद दक्षिणी गाजा की तरफ चले गए थे। वहीं गाजा के एक निवासी सईद अब्देल बार ने न्यूज एजेंसी एपी को बताया कि मेरे चचेरे भाई को हमास के एक अस्थायी दफ्तर से पैसा मिला है, जिसे पुलिस अधिकारियों और नगर पालिका कर्मचारियों समेत सरकारी कर्मचारियों को $200 भुगतान करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि गाजा पर कब्जा करने के बाद से ही हमास टीचर्स और पुलिस समेत हजारों सरकारी कर्मचारियों के साथ एक सरकारी नौकरशाही का संचालन कर रहा है, जो हमास की गुप्त सैन्य शाखा से अलग काम करते हैं, और ऐसे में हमास द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों को करीब आधी तनख्वाह दिया जाना ये साबित करता है कि इजराइल हमास को पूरी तरह से उखाड़ नहीं पाया है। Let's go.